हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और इस चैनल पर हम आपको बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। अभी तक आपको इस चैनल पर, जिसका नाम है द लट्स ग्रैबिट, ग्रैबिट मतलब होता है बच्चा किसी भी चीज़ को कैच करना, ठीक है। तो अभी तक आप इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स के वीडियो आपको मिले होंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास नाइन्थ का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको लेकर हम आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? जैसे देखिए, हमारा जो घर है बच्चा, ठीक है, वो हमारा घर अगर हम बोले तो किसके मिलकर बना हुआ है? ईंटों से मिलकर बना हुआ है। सारे एक एक वर्ड का मतलब हम आपको बताएंगे। तो ये मान लीजिए दीवार है और दीवार के अंदर क्या है? बहुत सारे ईंटें हैं। क्या है बच्चा? बहुत सारी ईंटें हैं, है ना। बहुत सारे क्या हैं? ईंटें हैं, ठीक है। ये इस एक को क्या बोलेंगे? ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, ठीक है। इस ईंट का रिपीटेशन ही करके, बार बार इसका यूज़ करके हम एक दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरह इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे हमारी भी बॉडी है, हर एक सेल मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे एक बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की यह क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इकाई कहने का मतलब एक यूनिट है जिसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? वह एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। कर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इस प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, वो किसका बना हुआ है? वो एक सेल का मिलकर बना हुआ है। वो एक सेल का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इस सेल की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल। साइटो मतलब क्या होता है बच्चा? सेल। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। और लॉगस मतलब, लॉगी वर्ड लॉगस से आया है, और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि बायोलॉजी का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसका डील करते हैं बच्चा? स्टडी ऑफ सेल की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल और लॉगस मीन्स स्टडी, ठीक है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। अब हम अगर बात करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने नंबर का है, यानी कि उसके अंदर एक सेल पाया गया है या बहुत सारे सेल पाए गए हैं, उस नंबर के बेसिस पे बच्चा लोग, तो हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है यूनिसेलुलर और एक का नाम होता है मल्टी सेलुलर। नाम में ही आपका डिफिनेशन रखा हुआ है, आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है यूनि मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है? वन। यूनि मतलब क्या होता है? वन। और सेलुलर वर्ड किसके लिए आया है? सेल के लिए आया है। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा होल लाइफ, यानी कि उस जन्म लेता है, ठीक है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है और दुनिया भर की एक्टिविटीज़ करता है और अपने लाइफ, और फिर उसका डेड हो जाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो साइकिल चलती है उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो यही कह रहा है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक कोश के, यूनि मतलब होता है वन और सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल कर बने हुए और उनकी पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो, एक ही सेल के अंदर पाए जाएं और इनका पूरा जीवन एक ही सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफिनेशन भी देख लीजिए, कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन। कह रहा है एक सेल का बना हो और अपने पूरी लाइफ को एक ही सेल के अंदर क्या कर रहा हो? विद इन वन सेल आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल के अंदर कंप्लीट कर रहा हो,
उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल हैं जैसे अमीबा हो गया, आप लोग जानते हैं ये भी एनिमल है लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल है। वहीं पे पैरामीसियम हो गए और फिर यूग्लिना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक कोशिकीय होते हैं बच्चा, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर का हिंदी जो होता है वो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे मल्टीसेलुलर, आपको फिर आ गया वर्ड में ही डिफिनेशन छुपा होता है, ठीक है। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, क्या होता है बहुत सारे या मेनी, मल्टी मतलब मेनी बहुत सारे, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल, सेलुलर मतलब क्या होता है सेल, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने पूरे लाइफ को बहुत सारे सेल के अंदर करते हों, है ना, उनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत सारे सेल के अंदर पाया जाता हो, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम टिश्यू ग्रेड के, ऑर्गन ग्रेड के और ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। डिफिनेशन देखते हैं, कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा बने हो। जैसे हम अगर अपनी बात करें या प्लांट की बात करें तो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कह रहे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो होते हैं ये क्या होंगे, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। अभी मैं कहूँ कि अभी आप कहोगे कि सर यूनिसेलुलर में बोला अमीबा पैरामीसियम ये दोनों भी एनिमल हैं। हाँ ये भी एनिमल हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल यहाँ पे लिखे गए मल्टी सेलुलर में, यहाँ पे इनकी संख्या जो सेल की होगी वो मोर देन वन होगी, बहुत सारे यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलें, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और होता है बच्चा, यूग्लिना, यूग्लिना जो होता है उसके अंदर लोकोमोशन भी पाया जाता है और इसके अंदर प्लांट के कैरेक्टर यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, सुना रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूग्लिना इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन, नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, यूग्लिना इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एंड प्लांट, ठीक है। कह रहे यूग्लिना जो होता है वो कनेक्टिव लिंक है, दोनों के बीच का जुड़ा हुआ हिस्सा है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनिमल में लोको मोशन देखने को मिलता है, लोको मोशन देखने को मिलता है। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। वहीं पे प्लांट की बात करें तो प्लांट को क्या होता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और इसके अंदर लोकोमोशन भी देखने को मिला है, लोकोमोशन पाया जाता है इसलिए हम इसको एनिमल बोलते हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए प्लांट भी बोलते हैं और दोनों का कनेक्टिव लिंक बोल देते हैं। तो यूग्लिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है बच्चा लोग। इसमें हमको ये लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यह इस चैनल पे आज से बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। हम एक मिनट के लिए हट रहे हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा बच्चा लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ अलग टॉपिक से। देखिए हम सेल के बारे में अभी तक पढ़े कि सेल होता क्या है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद हम पढ़े कि सेल एक कोशिकीय होता है यानी कि यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है, उसके नंबर के बेसिस पे।
अब जब ये एक कोष की है, दो कोष की, बहुकोष की, या फिर हम बोले यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये चीज़ें आई तो अब भाई इसको खोजा भी तो गया होगा। जैसे हम बोलते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, तो ये खोज होने के पहले भी ये चीज़ें तो पाई गई ना, ठीक है, तभी तो उस चीज़ का खोज हुआ, कहीं ना कहीं पाई गई थी। तो ऐसे सेल भी जो होता है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था, फिर उसको बताने वाले कि हाँ ये सेल है, और उन्होंने किस किस तरह से बताया वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो बच्चा हेडिंग हमारा वो डिस्कवरी ऑफ सेल से है, आप लोग एक चैनल देखते होंगे जहाँ पे नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म के बारे में, नए नए प्लांट्स के बारे में आपको बताई जाती हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह जो चीज़ें नई नई इन्वेंशन होती है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वैसे ही जब सेल का डिस्कवर हुआ था तो उसके अंदर दो साइंटिस्ट मेन आते हैं, एक का नाम है रॉबर्ट हुक और एक का नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, मतलब क्या उन्होंने सेम बताया, क्या अलग बताया, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो दोनों ने सेल के बारे में ही स्टडी की थी, लेकिन किस किस तरह के सेल वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो रॉबर्ट हुक थे वो 1665 में, ईयर आपको ध्यान रखना है, कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक जो 1665 में वो क्या किए थे बच्चा, उन्होंने देखिए वो जब 27 साल के थे तो उनका एक बुक था माइक्रोग्राफिया, बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। ही रोट ए बुक, उनका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है ना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ग्राफिया मतलब उन्होंने कुछ ग्राफ वगैरह दिया होगा, उस बुक का बेसिकली नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कि बताया कि मतलब मैंने एक ट्री था, ठीक है, उस ट्री का मैंने बार्क से कॉर्क लिया, बार्क मतलब होता है छाल। अब जब पेड़ को, पुराने पेड़ों को बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा जो उसका जो तना है, स्टेम है, उस वो बहुत उड़ी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आप अगर ऐसे उस पेड़ पे अगर हाथ पकड़ के आराम से उस चीज़ को निकालेंगे तो वो बार्क निकल जाएगा, ठीक है ना, बहुत टाइट होता है। तो क्या कह रहा है, उस बार्क को इन्होंने लिया, फिर वहाँ से उसको साफ किया और फिर अपने सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप में देखा, खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने पाया क्या, जैसे आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, क्या देखा होगा बच्चों, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, किस तरह से ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर किसका था, ऐसे स्ट्रक्चर उस सेल का था जिन्होंने यहाँ पे, उन्होंने जहाँ पे देखा, ठीक है ना, ये सारे सेल थे। तो उन्होंने कहा ये रूम लाइक, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा कैसा दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहा है। उनके माइक्रोस्कोप में जो उन्होंने कॉर्क लिया था, बार्क लिया था, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा था, हनी कॉम्ब लाइक मधुमक्खी के छत्ते के नुमा दिख रहा था। उन्होंने इस एक सेल को जो इम्पटी था, ये कैसा था, इम्पटी था, यानी कि बिल्कुल खाली था, ठीक है। तो इस सेल को क्या नाम दिया, मतलब इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, उन्होंने सेल नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। फिर से समझिए, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल की स्टडी की थी, किसकी स्टडी की थी बच्चा, सेल की स्टडी की थी, किसके अंदर, एक प्लांट के बार्क में, एक प्लांट के बार्क में, कैसे की थी, तो सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप से, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये चीज़ें खोजी गई थी। एक वर्ड आ रहा है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, देखिए बच्चा, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, और स्कोप मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा मशीनरी है जिसकी, जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे ये मार्कर है इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और एक यज्ञ है, यज्ञ को भी हम देख सकते हैं, वो भी एक तरह का सेल है, ऑस्ट्रिच यज्ञ आप जानते हो, लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है ना।
वैसे ही कुछ सेल ऐसे होते हैं जो यूनिसेल होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते, ठीक है ना। तो सेल इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नहीं देख पाते, ऑस्टिच एग इन सारी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो, ठीक है, ये सारे एक्सेप्शन है। तो कह रहा है माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है कि माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, क्या देखा, बार्क ट्री के कॉर्क को देखा, ठीक है, जो कैसा था, लिविंग था या नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग था, ठीक है। जो नॉन लिविंग, अभी मैं आपको अगले चैप्टर में टिश्यू पढ़ाऊंगा, वहाँ पे हमको पता चलेगा कि किस तरह के सेल लिविंग होते हैं, किस तरह के सेल नहीं नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है ना, कौन से सेल लिविंग होते हैं कौन से नहीं होते हैं, उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे वीडियो के साथ बने रहना होगा, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। अब देखिए जो मैंने बातें बताई आपको वही चीज़ें मैंने बोर्ड पे भी लिखी हैं। कह रहा रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किया था बच्चा, ही डिस्कवर्ड द सेल जो कैसा था, नॉन लिविंग था, कैसा था, नॉन लिविंग था। ही टुक ए क्लियर पीस ऑफ कॉर्क जो कहाँ से लिया गया था, बार्क ट्री से लिया गया था, सॉरी ट्री के बार्क से लिया गया था। इस ट्री का नाम क्या था, इस ट्री का मैं अगर नाम बताऊं तो वो ओक नामक ट्री था। उस ट्री का नाम क्या था, ओक। तो ओक नामक ट्री से जो बार्क था वहां से इन्होंने क्लियर पीस ऑफ कॉर्क लिया एंड ही उन्होंने पाया, ही फाउंड एम्प्टी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको मधुमक्खी के छत्ते नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है ये कैसी थी, खाली थी। ही कॉल दिस स्ट्रक्चर एज सेल और इसका क्या नाम दिया इन्होंने, सेल नाम दिया, क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हमारी बात हो गई कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल का खोज किया था जो नॉन लिविंग था, कहाँ से किया था, ओक नामक ट्री से किया था, ठीक है, ओक नामक ट्री के बार्क से किया था। कहाँ पे किया था, तो उन्होंने अपने सेल्फ मेडेड खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इसका डिस्कवर किया था बच्चों, ठीक है। उनके बुक का नाम माइक्रोग्राफिया, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कह रहा दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोन वॉन लुवेनॉक है। दो साइंटिस्ट आपको ध्यान में रखने हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल के लिए, एक रॉबर्ट हुक जिन्होंने नॉन लिविंग सेल को खोजा था बार्क ऑफ ट्री में, और दूसरे हैं एंटोन लुवेनॉक जो किस्में खोजे थे, उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें क्या खोजा था, उन्होंने एक पॉन्ड के एक ड्रॉप वाटर को लिया, एक पॉन्ड के एक ड्रॉप वाटर को लिया और उसमें उन्होंने बहुत तरह के वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज देखे। क्या देखे बच्चा, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हाँ वही बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं करते, ठीक है ना। जब मैं आपको बताऊंगा आगे अगर इस चैप्टर में रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा एंटोन वॉन लुवेनॉक 1632 से 1723 ये उनका लाइफ स्पैन है, ये उनका क्या बच्चा, लाइफ स्पैन है। कह रहा ही वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, एक वर्ड आ गया बायोलॉजिस्ट, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। कह रहा ही वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु स्टडी द लिविंग सेल, उन्होंने क्या किया, एक लिविंग सेल को के बारे में पढ़ा, लिविंग सेल को खोजा, वो किसके अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर खोजा था, किसके अंदर बच्चा, बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया कहाँ से आए, इन्होंने वन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में खोजा था इसको, कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। करा इन ही सेल्फ मेडेड सिंपल माइक्रोस्कोप, इनका माइक्रोस्कोप बहुत ही कैसा था, साधारण था, ठीक है ना, ऐसे चप्पू के जैसे आकार का था बच्चा, इस तरह से, और इस पर इन्होंने ऐसे इनका स्प्रिंग था, रॉड था, और यहाँ पे लेंस लगा हुआ था और नीचे वो चीज़ें रखी जाती थी जो चीज़ें ये क्या करता था, मैग्नीफाई करके देखने में हेल्प करता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक ड्रॉप वाटर डाला पॉन्ड का और फिर यहाँ पे देखा तो इनको छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म दिखे जो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ठीक है ना। बाद में पता चला हाँ ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बाद में पता चला।
फिर कह रहे हैं बच्चा, अच्छा अब ये किसके, अच्छा बैक्टीरिया कैसे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो क्या कह रहे हैं कि एक्टिविटी है वो एनिमल की तरह है। कैसा है? एनिमल की तरह। हालांकि ये प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अच्छा ठीक है, इन्होंने प्लांट्स, प्लांट में नॉन लिविंग को खोजा, इन्होंने बैक्टीरिया में खोज दिया, तो प्लांट के जो लिविंग सेल हैं उसकी स्टडी कौन किया था? तो उसकी स्टडी बच्चा हार्टविक साहब किए थे। कौन किए थे? हार्टविक साहब किए थे। क्या कह रहा है? हार्टविक वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडी द लिविंग प्लांट सेल। प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल के बारे में अगर पहली बार कोई स्टडी किया तो हार्टविक साहब थे। कौन थे? हार्टविक साहब थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। डिस्कवरी ऑफ द सेल से आपको दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एक आपका रॉबर्ट हुक और एक आपका एंटोनवान लुवेनहॉक। एंटोनवान लुवेनहॉक। हार्टविक क्यों बता दिया सर आपने? फिर हार्टविक बच्चा इसलिए बताया क्योंकि ये आपके किसके पीओसी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरे बात सुनने, ठीक है, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती होंगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर तब भी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी आते हैं।